आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 के हवाले से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द नीड फॉर एड्रेसिंग के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेयर्स के बारे में, लेयर्स के साथ हमें एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नीड फॉर एड्रेसिंग, एड्रेस की ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है, ज़रूरत क्यों होती है, नीड क्यों होती है। इसकी एग्जांपल मैं टेलीफोन से ही दूंगा फिर दोबारा से, क्योंकि टेलीफोन सेल फोन से ही एग्जांपल जो है वो आसानी से समझ आ जाती है। अब एड्रेस के बारे में बताऊंगा कि एड्रेस होता क्या। अब एड्रेस आप नॉर्मली देखें तो अगर आप किसी के अपने घर से किसी के घर में जाएँ तो आपके घर का भी कोई एड्रेस होगा। आप किसी दूसरे घर में जाते हैं, अपने फ्रेंड के घर में जाते हैं तो उस एड्रेस पे एग्जैक्ट आप पहुंचते हैं। अगर आपको उसके फ्रेंड का किसी भी का एड्रेस पता है तो उस एड्रेस पे आप पहुंच जाते हैं। इसी तरह आप कोई मेल या इंटरनेट पे तो आपका कोई याहू या जीमेल एड्रेस होता है, आप उस एड्रेस पे उसको मेल को भेजते हैं। विदाउट एड्रेस आप इस तरह उसको नहीं भेजते। इसी तरह टेलीफोन में अगर आए तो टेलीफोन का भी एड्रेस होता है। अगर इंटरनेट आईपी या इस तरह नेटवर्किंग में आए तो उनके भी अपने अपने एड्रेसेस होते हैं। तो एड्रेस की बात कर रहे हैं, नीड फॉर एड्रेसिंग, ज़रूरत पड़ती है आपको एड्रेस की। क्यों एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक टास्क चाहिए होता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा पहुँचाने के लिए एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। हर डिवाइस का, हर नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होगा, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये फाइल एक जगह से हमने दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करनी है। अब टेलीफोन की मैं एग्जांपल दे रहा था, बहुत आसान एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉल मिलाते हैं किसी दूसरे नंबर पे तो आपका जो नंबर होगा वो एक एड्रेस है। आप किसी दूसरे को कॉल मिलाते हैं तो वो कॉल का जो नंबर होगा वो एड्रेस कहलाता है। अब आपका नंबर कोई भी है, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो उसका पूरा आप एग्जैक्ट नंबर जो है वो टाइप करेंगे। एग्जैक्ट नंबर आपने टाइप किया, एग्जैक्ट नंबर टाइप करने के बाद फिर आप उसको जब कॉल मिलाएंगे नेटवर्क के, अगर आप अंदर हैं, अगर आप इंक्लूड हैं नेटवर्क के अंदर इंक्लूड हैं तब आपकी कॉल आगे ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आप नेटवर्क के अंदर इंक्लूड नहीं है तो आपकी कॉल ट्रांसफ़र नहीं की, ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगी। अब इससे आपको पता चल जाएगा, इस एग्जांपल से आसान, बहुत ही आसान एग्जांपल है टेलीफोन की मैंने आपको दिया कि एड्रेस होता क्या है, कि आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा किस तरह ट्रांसफ़र करना है, एड्रेस के थ्रू ट्रांसफ़र करना है। इन नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क में रहते हुए, नेटवर्क के अंदर रहते हुए आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा जो है वो एड्रेस के थ्रू ही सेंड करना है। अब यह आपको समझ आ गई होगी द नीड फॉर एड्रेसिंग, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, एड्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर डेफिनेशन भी बहुत आसान है। अ पैकेट इज द यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा सेंड करने के लिए हमें पैकेट इन द यूनिट, एक पैकेट की ज़रूरत पड़ती है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। इट रिक्वायर्स, ये रिक्वायर्स क्या चीज है, कि डेस्टिनेशन एड्रेस, जस्ट लाइक वी राइट एड्रेस ऑन एन एनवेलप व्हाइल सेंडिंग लेटर। अब यहाँ पे एक लेटर की एग्जांपल दे दी है, यहाँ पे बुक के अंदर आपकी, कि आप एक खत लिखते हैं, खत लिखते हुए आप पूरा खत लिख लिया, खत लिखने के बाद आप एनवेलप में डाल दें, एनवेलप में डालने के बाद स्पेसिफिक एड्रेस लिखते हैं कि इस एड्रेस पर वो चला जाए। जब आप कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं तो वो आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ लेटर को वहाँ भेज देते हैं, तो वहाँ से पोस्ट ऑफिस वाले स्पेसिफिक एड्रेस पे आपको उस एनवेलप को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी यही काम है, आपको मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज टाइप की आपने, मैसेज टाइप करने के बाद उस नेटवर्क के अंदर आप नेटवर्किंग की हुई है, नेटवर्किंग के बाद आपके आईपी एड्रेस एक दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं, तो वो मैसेज जो है जिस आईपी एड्रेस के अंदर आप भेजेंगे तो वो उस कंप्यूटर में वो मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए हमें कंप्यूटर में भी ये एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है। एन एप्लीकेशन, अब ये इस एग्जांपल के बाद एप्लीकेशन की बात कर रहा है। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट, अब
ये क्या होती है? रेसिपिएंट्स के वसूल कुनिंदा, जो वसूल करता है, रिसीव करता है, जो भी आपके है एप्लीकेशन रनिंग जो चल रही होती है, वसूल कर रहा है, साइट एक्सेप्ट पैकेट्स, पैकेट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी डाटा आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एंड असेंबल्स, और बना रहा है उसे देम टू शो मैसेज और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, आपके जो मैसेज को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर वो आपको एक्सेप्ट करके डाटा जो है वो कबूल कर लेता है, मसूल कर लेता है, किसके ज़रिए से, जो सेंडर है उसने भी सेंड किया, उसका भी एक एड्रेस है, और जो रिसीव कर रहा है उसका भी एक एड्रेस है, रिसीव ने भी क्या किया, शो द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो भी डाटा था, जो भी आपका सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने उसे रिसीव कर लिया। सेंडिंग और रिसीवर की बात पहले भी आपको कर चुका हूँ कि सेंडिंग डिवाइस जो सेंड करते हैं उसे सेंडिंग डिवाइस कहते हैं, जो रिसीव करते हैं उसे रिसीविंग डिवाइस कहते हैं। इसलिए सेंडिंग डिवाइस का भी अपना एक एड्रेस हुआ और रिसीविंग डिवाइसेस का भी अपना एक एड्रेस हुआ, जिसने रिसीव किया, जिस एड्रेस पे भेजा उसने रिसीव किया। यही बात इस पैराग्राफ में कर रहा है। दोबारा से एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ इसी पैराग्राफ के हवाले से कि आपके पास एक डिवाइस है, उसका अपना एड्रेस है, और एक अनदर दूसरी डिवाइस है, उसका एक और आईपी एड्रेस है, और हमेशा याद रखें कि दोनों डिवाइसेस का एक आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, मैच नहीं करता। इसी तरह सेल फोन की एग्जांपल दूंगा, उसका भी एक नंबर पर कॉल नहीं जाती, जैसे आपका नंबर है, सेम नंबर अगर किसी और का नहीं हो सकता, नंबर अलहदा होगा, कोई भी डिजिट एक डिफरेंट लाजमी होगा, सेम नंबर पर कभी भी मैसेज या कॉल वो नहीं जाती। इसीलिए सेम आईपी एड्रेस किसी का भी नहीं होता, डिफरेंट होते हैं आईपी एड्रेसेस, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हमें नीड फॉर एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, डिवाइसेस में एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट में क्या कह रहा पैराग्राफ में, इम्पोर्टेंस क्या है एड्रेसिंग की डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, क्या अहम ज़रूरत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे अंदर जो नेटवर्किंग के रहते हुए, क्या खसूसियात हैं, क्यों हमें वो ख़ास खसूसियत, उसकी खसूसियत पड़ जाती है कि एड्रेसिंग की डाटा कम्युनिकेशन के अंदर रहते हुए ख़ास एड्रेस की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी क्या खसूसियत है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, बिफोर सेंडिंग आप मैसेज भेजने से पहले, हमेशा मैंने पहले बताया कि मैसेज भेजने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। एड्रेस की, अगर आपके पास एड्रेस नहीं होगा तो वहाँ तक डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर आपके पास एड्रेस होगा तो डाटा ट्रांसफ़र होगा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है एड्रेसिंग की डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, इसीलिए इम्पोर्टेंस है। जब तक आपके पास आईपी एड्रेस नहीं होगा तब तक आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आसान लफ्ज़ों में कह दें कि अगर आपने एनवेलप देना है किसी के घर में, अगर उस घर का एड्रेस होगा तो एनवेलप वहाँ तक ट्रांसफ़र होगा, अगर उस घर का एड्रेस नहीं होगा तो वो एनवेलप जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसी तरह सेलफोन के अंदर आ जाए, एग्जांपल इसी की एग्जांपल दूंगा इम्पोर्टेंस की, कि अगर आपके पास सेलफोन में अपने फ्रेंड का नंबर है आपके पास, तो आप उसको कॉल मिला सकेंगे, इम्पोर्टेंस है ना एड्रेस की। अगर उसका नंबर नहीं है तो आप कॉल या मैसेज उसको नहीं कर सकते, इसीलिए इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। बिफोर सेंडिंग अ मैसेज, दो तीन एग्जांपल मैंने दिए, ये वही बात कर रहा है, बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सेंड करने पहले सोर्स मस्ट नो, सोर्स को जो भेज रहा है मस्ट नो, उसको पता होना चाहिए डेस्टिनेशन एड्रेस, उसका एड्रेस है क्या। अगर एड्रेस का पता है तो मैसेज ट्रांसफर होगा, अगर एड्रेस का पता नहीं है तो मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। डिवाइस जो भी डिवाइस है ऑन अ नेटवर्क के अंदर नीड एड्रेस, उनको एड्रेस की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनको एड्रेसेस की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। उसकी दो तीन एग्जांपल मैंने दे दी है, जैसे सेलफोन की दी है मैंने कि नंबर पता होगा तो कॉल आप या मैसेज कर सकेंगे, नंबर एड्रेस नहीं पता होगा तो आप डेफिनेटली
कॉल या मैसेज नहीं कर सकते। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी और आपको उसके एड्रेस का पता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, अगर नहीं पता या उसका एड्रेस नहीं लगा हुआ आईपी एड्रेस कंप्यूटर का तो वो नेटवर्किंग के अंदर नहीं शामिल हो सकता या आप उसके अंदर मैसेज नहीं कर सकते। अब बारी आती है मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। अब मैपिंग होता है कि नक्शा क्या है टेलीफोन एड्रेस का और नेटवर्क एड्रेसिंग का क्या क्राइटेरिया है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो आप पहले लेक्चर में भी बताया था कि हम सब लोग जो हैं वो नेटवर्किंग के अंदर जुड़े हुए, वो कैसे, वो सेलफोन के साथ। सेलफोन क्या है, ये भी एक सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये भी पूरे का पूरा। अब यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन जो बताया गया है, सपोज यू वांट टू मेक आ फोन कॉल टू योर फ्रेंड, इसकी एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ, या फिर बुक के अंदर बता रहे हैं कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड को फोन कॉल यानी कि आप कॉल मिलाते हैं अपने फोन से, तो बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो द एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस, यानी कि आपको एग्जैक्ट टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए उसका। अगर आपको नंबर पता है तो आप कॉल मिला सकते हैं। ये हो गया मैपिंग, हो गया इसका किसका टेलीफोन का। इसी तरह दैट टेलीफोन नंबर योर फ्रेंड, तो जो भी आपके टेलीफोन का जो नंबर होगा आपके फ्रेंड का होगा तो कॉल उसको मिल जाएगी और वो डाटा या मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर टेलीफोन नंबर क्रॉसपॉन्ड्स टू अनदर आईपी एड्रेस। इसी तरह अगर आप इंटरनेट के अंदर रहते हुए किसी को कॉल मिलाते हैं तो इस जैसे इसकी एग्जाम्पल लूँगा, आजकल कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ की जा रही हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, स्काइप है और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एप्लीकेशन एक आप अकाउंट बनाते हैं उसका अपना एड्रेस है और नेक्स्ट एप्लीकेशन जो स्काइप है उसके अंदर अलग अकाउंट है, तो आपस में वो एड्रेस चेंज है, एड्रेस के थ्रू आप उनको डाटा सेंड करते हैं। इसी तरह अगर मैपिंग की बात की जाए तो इसमें आईपी एड्रेस लगाए जाते हैं, एक स्टैटिक होता है आपकी बुक में, ये स्टैटिक होता है, फिक्स आईपी लगा देना वहाँ पर, फिक्स आईपी लगा दिया वो दूसरा यूज़ ना कर सके, वो इस नेटवर्क का फिक्स आईपी हो आईपी एड्रेस आ गया तो उसको स्टैटिक कहते हैं। जबकि डायनामिक इस तरह के दो तरह के मैपिंग के अंदर दो तरह के आईपी एड्रेस यूज़ किए जाते हैं, एक स्टैटिक यूज़ किया जाता है फिर डायनामिक यूज़ किया जाता है। डायनामिक में मल्टीपल आईपी का इस्तेमाल किया जाता है, चेंज होता रहना, डायनामिक हरकत में आना, चेंज होते रहना कि एक कंप्यूटर का आईपी ये है, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उसका आईपी बास टाइम चेंज हो जाता है। अगर दो तीन कंप्यूटर्स आपस में आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किए हुए हैं और एक कंप्यूटर पहले ऑन हो गया उसका आईपी कुछ और लग गया, नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर ने दूसरे सेकेंड कंप्यूटर ने ऑन किया उसका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ऐसा भी होता है। ये होता है डायनामिक रिस्पॉन्स, उनका डायनामिक तौर पर चेंज करना है आईपी एड्रेस। तो ये क्या इसमें आता है मैपिंग बिटवीन, ये मैपिंग में आता है टेलीफोन का एड्रेस, टेलीफोन का तो आपका फिक्स होता है, जबकि आप इंटरनेट की जब बात की जाए तो उस इंटरनेट के अंदर एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। स्टैटिक में फिक्स आईपी होता है, फिक्स रह जाता है, उसे स्टैटिक आईपी कहा जाता है, जो डायनामिक होता है उसका आईपी चेंज होता रहता है। सिंपल टॉपिक था, सिंपल इस वजह से सिंपल था कि सिर्फ आपको एड्रेसिंग के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है कि एड्रेस होता क्या, टेलीफोन एड्रेस क्या होता है, आपका नेटवर्क का एड्रेस क्या होता है। नेटवर्क का एड्रेस जो होता है वो आईपी से काउंट किया जाता है, अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है 192.168. कहीं पे 01, कहीं पे 111 लिखा होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट नेट इंटरनेट का चल रहा होता है। फिर बाय डिफॉल्ट आप अक्सर देखते हैं कि .1 और .something इस तरह 1 के बाद 2, जितने कंप्यूटर आगे लगते जाते हैं तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह इनकी सीरीज आईपी की चलती जाती है। और आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।